हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे कुख्यात मॉन्स्टर की बात करने वाले हैं जिन्हें अमेरिका में हीरो माना जाता है, और उनका भारत के साथ क्या कनेक्शन था, और लगभग एक शताब्दी जीने के बाद उनका निधन हो गया है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन की बात करोगे, आप अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करोगे, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करेंगे, तो हेनरी किसिंगर एक सिद्धांत के तौर पर जो है वो याद किए जाएंगे, एक थ्योरी के तौर पर उनको जो है वो पूरी दुनिया याद करती है। दुनिया उनको इसलिए भी याद करती है कि आज के समय के अंदर भी जब वियतनाम के खेतों के अंदर, खलियानों के अंदर अगर कोई बम शेलिंग बम फूटता है या फिर किसी की मौत हो जाती है, तो भी उनको जो है वो याद किया जाता है। हेनरी किसिंगर को भारत के संदर्भ में भी बहुत खूब याद किया जाता है, और उनके साथ उन्होंने भारत के साथ कैसे संबंध स्थापित करे या फिर क्या उनका एटीट्यूड रहा, आज हम उन चीजों के ऊपर भी बात करेंगे। आपके लिए क्यों जरूरी है? आपके लिए एक किस्सा हो सकता है, इंदिरा गांधी से के जुड़े हुए, कांग्रेस से जुड़े हुए फैंस के लिए ये इंदिरा गांधी की जो इंदिरा गांधी का जो एक रुतबा था, इंदिरा गांधी को ग्लोरीफाई करने का उनकी जो मंशा होती है, आप इसलिए देख सकते हैं। अगर आप आज के भारत की पॉलिटिक्स के साथ जो है वो अपना संबंध स्थापित करते हैं, तो भी आप हेनरी किसिंगर को जो है वो नहीं भूल सकते। अगर आपको अपना दुश्मन चाइना लगता है, तो उस चाइना को पैदा करने वाले को भी आप नहीं भूलना चाहेंगे। भारत और पाकिस्तान के मध्य जितने विवाद हैं, उन विवादों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और दृढ़ करने का जो श्रेय जाता है, वो भी कहीं ना कहीं हेनरी के सिंगर को जाता है। तो इस तरीके से जो है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल भी है और क्रिप्सी भी है। साथ ही साथ आपको ये समझने को मिलेगा कि पाप और पुण्य की जो एक थ्योरीज गढ़ी जाती है, उस इंसान ने अपने जीवन काल में जो है वो पता नहीं असंख्य सैकड़ों लाखों लोगों की जो है मौत का वो जिम्मेदार रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर। तो फिर भी वो इंसान लगभग पूरी शताब्दी जिया। किस तरह से जो है जिस चाइना को लेकर के आज अमेरिका जो है वो इतना चिंतित है, उस चाइना को पैदा करने का श्रेय जो है उनके एक डिप्लोमेट, इनके एक प्रोफेसर, उनके एक जो है वो पूर्व एनएसए, पूर्व विदेश मंत्री को जाता है। इन सब चीजों की हम आज थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि पूरे जियोपॉलिटिक्स को उन्होंने किस तरीके से प्रभावित किया। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये किस्सा। आज का किस्सा शुरू करेंगे हम जर्मनी से। जर्मनी के अंदर एक डिप्लोमेट, जो हमने बाद में डिप्लोमेट के नाम से जाना, एक ज्यूज परिवार के अंदर हेनरी किसिंगर का जन्म होता है, और उसके बाद हिटलर की जब जो है ज्यूज को नरसंहार करने का वो जो कार्यक्रम वो शुरू करते हैं, अपनी पॉलिसी को जो है वो शेप देना शुरू करते हैं, तो उनका परिवार भागकर जो है वो अमेरिका चला जाता है, और 1943 के लगभग उनको अमेरिका के अंदर सिटीजनशिप मिल जाती है। फिर वो एक फौजी दस्ते के साथ जो है फौजी बनकर जो है जर्मनी के अंदर आता है, और जर्मनी में आकर के काफी लंबे समय तक जो है वो एक सोल्जर की तरह लगता है। फिर बाद में प्राइवेट ट्रेनर बन जाता है, पर उसकी जर्नी यहाँ खत्म नहीं हुई। वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, तो उसका सफर भी जो है ये फौजी वाला खत्म हो गया। उसने पढ़ाई की तरफ रुख किया। मैंने आपको अपनी पूर्व वीडियोस के अंदर, पहले वाले वीडियोस के अंदर भी बताया हमेशा कि ज्यूज कुछ करे ना करे, पढ़ाई वो जरूर करते हैं। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी करी, वहीं पे पढ़ाने का कार्य किया, और बाद में जो है उन्होंने कुछ बुक्स लिखी। उन बुक्स के आधार पर जो है उनको व्हाइट हाउस से कॉल आती है, और व्हाइट हाउस में जब निक्सन जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उनको एक सलाहकार के रूप में जो है वो रखते हैं। किस चीज का सलाहकार? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कई प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया। निक्सन जो है
स्पेशली भारत विरोधी प्रेसिडेंट के तौर पर हम उनको जानते हैं। और किसिंगर ने जो है इसके लिए, हेनरी किसिंगर ने और ज्यादा पृष्ठभूमि तैयार करी। दरअसल बात यह थी कि अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया के अंदर उसका डंका हो, पूरी दुनिया के अंदर इकलौती वर्ल्ड पावर वो बने। शक्ति संतुलन के सिद्धांत को जो है वो फॉलो करते थे अमेरिकन। और आपको याद है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वॉर का इरा शुरू होता है, और कोल्ड वॉर में उनका जो सामना था वो रशिया से हो रहा था। रशिया को हराने में, कोल्ड वॉर को जिताने में अमेरिका की जितनी मदद हेनरी किसिंगर ने की है, उतनी मदद जो है महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन और पांडवों की करी है। अगर आप गीता पढ़ते हैं तो आप पढ़ते होंगे कि किस तरह से जो है वो अपने जो प्लान्स और उपदेशों की वजह से जो है श्री कृष्ण पांडवों को युद्ध जिता देते हैं। और बहुत सारे ऐसे और भी किस्से हैं जो आपको वर्ल्ड, जब आप पॉलिटिक्स पढ़ते हो, जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते हो, तो आपको गीता के बहुत सारे किस्से यथार्थ होते हुए जो है वो प्रतीत होते हैं। होता क्या है कि जब वो एनएसए बनते हैं तो उस समय के जो विदेश मंत्री थे उनसे उनका मतलब उससे भी उनको उन्होंने क्या बोलते मतलब पर्दे के पीछे कर दिया, वो फ्रंट पर वही छाए रहते थे। उन्होंने यहां तक जो है मतलब इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि पावर है तो सब कुछ है, पावर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस पावर को हासिल करने के लिए इंसान इतना उमादा हुआ क्यों था, थोड़ा समझते हैं। इनके बहुत सारे रिश्तेदारों को जो है वो जिनोसाइड में मार दिया था हिटलर ने, और उसके बाद इन्होंने जो एक शरणार्थी का जीवन जिया, और फिर बाद में जब नागरिकता मिली, फिर बाद में जब इन्होंने पढ़ाई करी तो उस दौरान उन्हें एक चीज समझ में आई, वो थी कि अगर शक्ति है तो सब है, नहीं है तो कुछ भी नहीं। आपको जानकर के हैरानी होगी, निक्सन से लेकर के जो है अभी के जो जो बाइडन है उस तक पूरे के पूरी एक श्रृंखला है अमेरिकी राष्ट्रपतियों की, सब कुछ बदला, हेनरी किसिंगर नहीं बदले। इस बात का प्रमाण इस चीज से मिलता है जब जो बाइडन राष्ट्रपति बनते हैं दोस्तों, तो फिर से हेनरी किसिंगर चाइना की यात्रा पर आता है। हेनरी किसिंगर ने अयूब खान के साथ ऐसे संबंध स्थापित करे और भारत को गालियां दी, इंदिरा गांधी के लिए अपशब्द यूज करे, और ये चाइना और पाकिस्तान की मित्रता को और सुदृढ़ और सुगाढ़ बनाने में हेनरी किसिंगर का बहुत बड़ा योगदान रोल रहा। हेनरी किसिंगर ने जब देखा कि आपके पूर्वी बंगाल के अंदर मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत गई है और पाकिस्तान का अयूब खान और ये उनकी जो जो उस समय तत्कालिक जो सरकार थी या डिक्टेटर थे, उन लोगों ने जब अत्याचार करना शुरू किया पाकिस्तान के अंदर, जानकर के हैरानी होगी आपको, अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। चाइना को और अमेरिका को नजदीक लाने में जितना योगदान हेनरी किसिंगर का था, उतना ही योगदान अयूब खान का था जो पाकिस्तान के डिक्टेटर थे। पाकिस्तान के प्लेन से ही हेनरी किसिंगर जो है वो चाइना जाते हैं, ऑफिशियल ट्रिप पाकिस्तान का था पर वो चाइना गए, और निक्सन को बुलावा आया चाइना से, चाइना ने उनका हार्दिक स्वागत किया, बहुत वार्म वेलकम किया। चीन का अमेरिका के साथ आने का क्या कारण था? चीन को मान्यता नहीं दी थी अमेरिका ने, चीन माओ के जो सरकार स्थापित हुई उसके बाद जो है जो परिस्थितियां बदली, तो निक्सन ने उनको मान्यता नहीं दी, अमेरिका ने मान्यता नहीं दी। पर जब चाइना और रशिया के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो उनको लगा कि यार इसको जो है वो पैदा किया जा सकता है, अमेरिका ऐसा ही करता है। अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ध्यान से समझते हैं
आप समझेंगे कि अमेरिका किस तरीके से जो है वो पूरी व्यवस्था को तबाह कर सकता है अपने हितों की सुरक्षा के लिए। उसने चाइना को पैदा किया, पर चाइना एक बहुत दूरदर्शी सोच वाला राष्ट्र था। उसने अमेरिका के साथ मित्रता तो की, पर चाइना फर्स्ट की पॉलिसी नहीं छोड़ी। उसने चाइनीज कंपनियां उतनी ही बड़ी मात्रा में स्थापित करी। वो गुलाम नहीं हुए, साम्राज्यवाद का शिकार नहीं हुए अमेरिकन कंपनियों का। उन्होंने जमीन दी, कहा यहां मैन्युफैक्चरिंग करो, यहां पे प्रोडक्ट बना करके बेचो, हम मना नहीं करेंगे, बाकी हमारी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हेनरी किसिंगर और निक्सन अमेरिका से जो है वो चाइना आए, उसके बाद उन्हें मान्यता दी निक्सन ने चाइना को, और उसके पश्चात कंटिन्यूअसली इनके रिलेशन और प्रगाढ़ होते गए। ये ट्रायंगल बन गया, अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना। ऐसा एक देश नहीं है, सैकड़ों द्वारा। 1971 का जब वार हुआ भारत और पाकिस्तान के मध्य, हेनरी किसिंगर ने ही अमेरिका को चुप करवाने का काम किया। उसमें के जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनको कहा कि आप जो है वो चुप रहिए, भारत का सहयोग नहीं करना है। निक्सन भी गालियां देता था, किसिंगर भी गालियां देता था, क्योंकि वो इज्जत नहीं देते हैं तो देता था या देते थे क्या फर्क पड़ता है। इंदिरा गांधी को अपशब्द बोले, भारतीयों को बेकार और पता नहीं क्या क्या बोला, ऐसी गालियां दी जो ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा दिए ही नहीं जा सकती। उनका ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, पर इंदिरा गांधी आयरन लेडी, जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया था, उस हेनरी किसिंगर को इंदिरा गांधी ने मात दे दी। दोस्तों, इंदिरा गांधी ने मात कैसे दी? हेनरी किसिंगर चाहता था कि पाकिस्तान का सहयोग किया जाए, और वो कर भी रहा था कंटिन्यूअसली। अमेरिका ने अपने जो जहाज जो अपना समुद्री बेड़ा भेजा था भारत के खिलाफ उस समय, उसको रवाना करवाने में और अमेरिका को, अमेरिकी राष्ट्रपति को ये विश्वास दिलाने में सबसे ज्यादा अगर योगदान था तो वो हेनरी किसिंगर का था। ये हेनरी किसिंगर ही थे जो चाहते थे कि भारत जो है वो एक शक्ति के रूप में ना उभरे। भारत को शायद वो कुछ मानता ही नहीं था, पर हर धारणा, हर झूठ, हर अवधारणा बदलती है। इंदिरा गांधी ने जब लेटर भेजा, सहायता मांगी उनसे, तब भी मतलब उन इंदिरा गांधी ने सहायता नहीं मांगी, पर ये बताया था कि ऐसा ऐसा भारत के अंदर हो रहा है, वहां बहुत शरणार्थी आ रहे हैं, आप तो मानवाधिकार के सुरक्षा और सलाहकार हैं, मतलब सुरक्षा करने वाले रखवाले हैं, आप करिए। उन्होंने नहीं करी, इवन कोई रिप्लाई तक नहीं दिया। फिर वक्त बदला, समय बदला और इंदिरा गांधी ने रशिया के साथ मिलकर के, रशिया के साथ एक संधि कर रखी थी, रशिया ने अपने जहाज भारत के लिए भेजे और फिर अमेरिकी फौज कुछ नहीं कर पाई। वो रणनीतिकार जिसने पूरी दुनिया की नीति को बदल दिया था, हमारे भारत की एक ऐसी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने उसकी ही रणनीति को बदल दिया। हेनरी किसिंगर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाएंगे, नया देश बनेगा बांग्लादेश। ये उसकी बहुत बड़ी हार थी, साथ ही साथ उसकी हार हुई, ऐसा नहीं है कि उसने हमेशा जीता ही, उसकी हार हुई जब वियतनाम वॉर अपने चरम पर था और गृह युद्ध हो रहा था वहां पे, अमेरिका सपोर्ट कर रहा था बहुत लंबे समय तक जो है वो, उन्होंने उस वर्ल्ड वॉर, उस वियतनाम वॉर के अंदर जो है वो अपने संसाधन जोके, हजारों टन्स बम गिराए गए, करोड़ों का, अरबों का नुकसान हुआ अमेरिका को, पर प्रतिष्ठा का सवाल था, अमेरिका वापस नहीं आ रहा था। उसने युद्ध को और ज्यादा बढ़ा दिया। दोस्तों, लाओस और कंबोडिया के अंदर जो युद्ध फैलाने का कार्य जो हेनरी किसिंगर ने किया, शायद वो कोई और डिप्लोमेट नहीं, पर उन्हें अपने किए पर बिल्कुल पछतावा नहीं था।
अमेरिका में उनको कोल्ड वॉर खत्म करने वाला हीरो माना जाता है। अमेरिका के जितने राष्ट्रपति आए उन्होंने हमेशा उनसे सलाम लिया। डोनाल्ड ट्रंप तक ने उनसे सलाम लिया। जो ज्यूज लॉबी अमेरिका में काम कर रही है उस ज्यूज लॉबी के लिए हेनरी किसिंगर एक बहुत बड़े रणनीतिकार थे। दोस्तों उसके पश्चात उन्होंने चिली में जो किया और जो है इजराइल और अरब की लड़ाई के अंदर जो अपना योगदान दिया, बहुत सारे कार्य ऐसे किए जो एक खलनायक वाले थे, पर खलनायक बाकी दुनिया के लिए था, अमेरिका के लिए वो नायक था। पर बहुत अच्छा लगता है जब एक प्रेस जो है अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए अमेरिका के अंदर भी उनको जो है वो एक खलनायक लिख सकती है, बार टाइम का हीरो कह सकती है। भारत में ऐसा हो पाना लगभग अब मुश्किल हो गया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप हेनरी किसिंगर हो, ठीक है, या फिर आप निक्सन हैं, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति है, या फिर दुनिया के कोई भी। हेनरी किसिंगर ने अपनी लाइफ के दौरान जो है उस पावर, उस पोजीशन का इतना गलत इस्तेमाल किया। उसने कई तानाशाहों को सपोर्ट किया ताकि वो अमेरिका को सहयोग करते रहे, और उन्होंने किया भी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर एक सिद्धांत की तरह उनको पढ़ाया जाता है, और वो बहुत अच्छी बात भी है। उनकी 16 बुक्स ऐसी है, 16 की करीब कम से कम, जो बेस्ट सेलर बुक्स रही है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए। और 100 साल तक जीना, उनकी अपनी एक कंपनी है, मतलब एक जो रिफ्यूजी परिवार इतनी मुश्किल से गुजरता हुआ अमेरिका पहुंचता है और वहां जाके उसका ये ओहदा पाता है, तो आप शिक्षा की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। भारत के संदर्भ में उसका दृष्टिकोण बदल गया दोस्तों। 1991 के अंदर जब हम लोगों ने नई पॉलिसी लाई, नई आर्थिक नीति लाई, उसके बाद उसका नजरिया बदल गया। उसने कहा कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत एक बहुत बड़ी जो है वो शक्ति के रूप में उभरेगा, इकोनॉमिक शक्ति बनेगा, आपके लिए मार्केट बनेगी, भारत के साथ रिश्ते सुधारो। जब पूरी दुनिया ने हमें दुत्कारा, कब, जब हम लोग न्यूक्लियर पावर बने, हमने न्यूक्लियर विस्फोट किया, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी, तो इन्होंने जो है वो सहयोग किया। इन्होंने कहा कि आपको ये मानना पड़ेगा कि भारत परमाणु शक्ति बन चुका है, अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते, जितना अच्छा होगा भारत के साथ परमाणु संधि करो, उनके साथ सहयोग करो और उनको अपने खेमे में लाओ। पर भारत ना उतनी जो है जो चीज चाइना फर्स्ट वाली पॉलिसी चाइना ने खुद के लिए रखी थी, वैसे वाली पॉलिसी भारत नहीं कर पाया। अब 2004 के अंदर समझौता भी करा था, उसमें भी उनका काफी योगदान था, क्योंकि वो हमेशा सलाह देते थे कोई भी पार्टी हो। अमेरिकन पॉलिटिक्स का सबसे अच्छा फायदा ये है, पार्टी कोई भी हो जो बुद्धिजीवी है उसको अपने खेमे में रखता है अमेरिका, इसीलिए वर्ल्ड पावर। वहां ये नहीं देखा जाता है कि कोई ज्यूज है कोई ईसाई है, वहां ये देखा जाता है अमेरिकी है क्या सोचता है, इससे फर्क पड़ता है, कितना अच्छा सोचता है इससे फर्क पड़ता है। हिंदू मुस्लिम की तरह लड़ाई नहीं होती, जाति पाती नहीं होती। हाँ ये बात और है, कहते हैं कि निक्सन ज्यूज को पसंद नहीं करता था और वो जम के गालियां देता था, और एनएसए के रूप में सामने हेनरी किसिंगर बैठ रहे थे। निक्सन वो था जिसने इंदिरा गांधी को भी गाली दी थी, जिसने भारत के लिए बहुत बुरा भला कहा। निक्सन वो था जिसने बहुत बड़े स्तर पर भारत विरोधी पॉलिसीज को जो है वो इंप्लीमेंट किया अपने वहां पर। तो फिर अमेरिका का दृष्टिकोण बदला,
और अब अमेरिका प्रो इंडियन पॉलिसीज को अपनाता है क्योंकि उसको पता रशिया हट गया है और चाइना उसको चैलेंज कर रहा है। चाइना को काउंटर करने के लिए वो पाकिस्तान को तो खड़ा कर नहीं सकता था, वो भी नहीं सकता पाकिस्तान। फिर वो भारत के पक्ष में थोड़ा सा झुकाव उसका होता है, पर वो भारत को परेशान करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ता है। अभी जब आप पन्नू करके एक जो टेररिस्ट है खालिस्तानी, उसके बारे में जो रिपोर्ट आई है अमेरिका के अंदर, सीधे सीधे एलिगेशन लगाए भारत के ऊपर, वो डिप्लोमेटिक रीजन है, डिप्लोमेटिक तरीका है, हर चीज को निपटने का एक अलग रणनीति होती है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बहुत सारे चैनलों ने वीडियोस बनाई है, कभी ये किस्सा कभी और सही, पर अमेरिका का भरोसा करना आंखें बंद करके अपने साथ खुद विश्वासघात करना होता है। अमेरिका कभी भी पाला बदल देता है, इसीलिए हमें अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्च करना चाहिए, हमें अपना R&D जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ज्यादा चलाने चाहिए, अल्टरनेट रखने पड़ेंगे, नहीं तो हमारा आपका सबका जब तक ये इस्तेमाल कर सकता है करे। आइजन ये आपके जो हेनरी थे, इन्होंने जो है, ये खलनायक थे या नायक थे, ये एक बड़ी चर्चा का विषय है, बट इनके सिद्धांत आज भी फॉलो किए जाते हैं। लाखों लोगों को मारने के बाद इन्होंने कभी रिग्रेट फील नहीं किया, न कहा उस समय की जरूरत थी मैंने किया। तो अमेरिका और अमेरिकन पावर को अपने पास रखने के लिए किस हद तक क्या-क्या कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। थैंक यू सो मच, ये आपके पाले में है, वो क्या थे और क्या नहीं, बट हाँ कभी मौका मिले तो उनकी लिखी हुई बुक्स को पढ़ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की समझ और डेवलप होगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।